व्हाट्सएप पीपल, क्या हाल चाल है तुम लोग के। तो आज ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाला है, आज हम लोग एक नए आने वाले इंडियन गेम फौजी के बारे में बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग इसके बारे में जानेंगे, कब रिलीज डेट है, क्या रिलीज डेट है ये भी जानेंगे, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में इस गेम के बारे में, उन पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और लेट्स गो, चालू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। इंडिया में बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया जो कि चाइनीज थे, उनमें से एक पबजी भी आता है। तो ऐसे में चाइना और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना के ऊपर प्रेशर हम लोग बना सकें, इसलिए पबजी को बैन कर दिया गया है फिलहाल के लिए या परमानेंटली, वो तो आगे देखने से ही पता चलेगा। इस वॉइड को लेकिन भरने के लिए इंडियन डेवलपर्स ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि अपना एक गेम निकाला जाए जो होने वाला है फौजी, यानी कि फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। बहुत ही अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से। पहले इस गेम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये गेम मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें जो लीक्स निकल के आ रही हैं, वो कैंपेन और मल्टीप्लेयर भी होने वाला है। कैंपेन मोड में जो जून में 2020 जून में हम लोग चाइना और इंडिया के बीच में गलवान घाटी में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, वार टाइप के जो भी कुछ हुआ था, उसकी वो पहली लेवल होने वाली है। तो हम लोग इससे आराम से अंदाजा निकाल सकते हैं कि वो कैंपेन मोड में आने वाला है, और कैंपेन होगा तो मल्टीप्लेयर भी आएगा, क्योंकि मल्टीप्लेयर ज़्यादा सस्टेन करता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ये तो बात हो गई फौजी गेम के बारे में, फर्स्ट पर्सन शूटर होने वाला है। तो बात कर लें इस गेम के डेवलपमेंट के बारे में। तो बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है एनकोर गेम्स, तो वो इसके डेवलपमेंट में लगे हुए हैं अक्षय कुमार, मिस्टर अक्षय कुमार के मेंटरशिप में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा गेम बन जाएगा अगर ये थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो। आई थिंक इंडियन मार्केट में काफ़ी ऐसा सस्टेन कर सकता है। शायद इस गेम में हम लोग को इंडियन आर्मी का रोल देखने को मिले और हम लोग भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि वार के दौरान एक सोल्जर कैसा फील करता है। बहुत ही अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात यह है कि ये लोग 20% नेट प्रॉफिट का देंगे इंडियन ट्रूप्स को, जो कि यार बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज हो रहा है ये अक्टूबर के आसपास। अब देखो, अच्छी चीज़ों के साथ बुरी भी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में इसके बारे में। तो देखो, उसे थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देते हैं। पोस्टर सबसे पहले आया, देखो पोस्टर मानते हैं हम लोग भी कि शटरस्टॉक पे वो जो पोस्टर है उसको थोड़ा सा कलर चेंज करके फॉन्ट लगा के दिया गया है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि कई लोगो भी ऐसे सिंपली उठा लिए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं, ऐसे कोई ब्रांड्स ऐसा करते हैं नॉर्मली, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात किया जाए तो ट्रेलर इसका चल रहा है जो कि कभी लॉन्च ही नहीं हुआ था, उसके ट्रेलर लोग बना के दिखा रहे हैं, जो कि पबजी स्टीम का है एरेंजल 2.0 का। उसमें वो लोग सस्ती एडिटिंग करके फौजी नाम डालकर ट्रेलर चला रहे हैं और हमारी जनता उसे फौजी का ट्रेलर समझ रही है। अभी गेम के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं कि कैसा गेम होने वाला है, और शायद ट्रेलर को देख के यही बोला जा रहा है कि बिल्कुल डूटो कॉपी बना दी जा रही है। ऐसा नहीं है, हम लोग को अभी कोई आइडिया नहीं कैसा गेम होने वाला है, क्या क्या उसमें होने वाला है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखने के बजाय कि कैसा होने वाला गेम इंडियन डेवलपर्स ने बनाया तो ये बहुत बेकार गेम होने वाला है, ये दिमाग से हम लोग को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये गेम है, मैं तुम्हें बताऊं, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, डेमो तुम लोग खेलना चाहो तो डेमो खेल सकते हो। राजी नाम करके एक गेम है, इन यहाँ तक समझ लो कि IGN ने भी उसको सपोर्ट किया है, इस तरह का वो गेम निकल के आया है। और निकोज करके एक गेम है शायद, हाँ निकोज करके एक गेम है जो कि इंडियन डेवलपर्स का ही है, और वो हॉरर गेम है। क्या जंप स्केयर्स हैं उसके, जरा एक बार एक्सपीरियंस करके देख सकते हो तुम लोग, वो भी इसका डेमो है, फ्री है, खेल के देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक है। तो इसी तरह अगर कम्युनिटी बिल्ड हो रही है तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इन पे सवाल उठाने चाहिए कि ऐसा है वो ऐसा है। पहले बात तो नकली ट्रेल देख के हम लोग पहले ही अपना मूड बना लिए हैं जो कि नकली है, ये तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या असली है क्या नकली है। सस्ती एडिटिंग की गई है, फ्लिकर इफेक्ट लगा दिया गया, इंडियन गेमिंग करके इसमें लगा दिया है मैंने देखा, कम ऑन। तो ये सब हम लोग की दिक्कत है। ये थी आज की वीडियो, मुझे थोड़ा सा, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था लेकिन इतने सारे मिसकंसेप्शन थे लोगों के दिमाग में, तो यह मैंने सोचा इलाओ इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए। तो होप तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, जो दिमाग में मिसकंसेप्शन थे क्लियर हो गए होंगे। और यहीं तक हम लोग वीडियो रखते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को ऑल पे जरूर कर देना वरना सारे नोटिफिकेशन मिस कर दो के। और
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिसको भी ये दिक्कत थी कि ये बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं ऐसा होने वाला है, तो उसको भी वीडियो भेज देना। हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं, साइनिंग आउट मेगा वन।